राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, यह अवार्ड तो खिलाड़ियों के सम्मान के लिए दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस ने इस सम्मान के आगे अपने नेता राजीव गांधी का नाम जोड़ दिया। साल 1991 से यह अवार्ड हर साल बेहतरीन खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता रहा है। इस दौरान कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जब राजीव गांधी कोई खिलाड़ी नहीं थे और ना ही उनके पास कोई खेल से जुड़ी बड़ी उपलब्धि है, तो फिर देश का सबसे बड़ा खेल रत्न उनके नाम पर क्यों? दिल्ली की सत्ता में ज्यादातर कांग्रेस ही रही, इसीलिए सिलसिला लगातार चलता ही रहा। लेकिन अब जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस खेल रत्न का नाम ही बदल दिया है, यानी आज से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाएगा। खेल रत्न अवार्ड को 1991-92 में शुरू किया गया था, तब देश में कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए खेल के सर्वोच्च सम्मान का नाम भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रख दिया गया। इस अवार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य खेल के क्षेत्र में सराहना और जागरूकता फैलाना है, साथ ही खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना है, ताकि वह समाज में और ज्यादा सम्मान प्राप्त कर सके। यह अवार्ड अब तक 43 खिलाड़ियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जा चुका है। इस अवार्ड के साथ साथ प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अब मोदी सरकार ने इस प्रतिष्ठित अवार्ड का नाम बदल दिया है। पीएम मोदी ने इस बारे में ट्वीट कर बताया, देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। मोदी सरकार के इस फैसले की देश भर में तारीफ हो रही है। खुद मेजर ध्यानचंद के बेटे और पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद ने कहा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने के लिए मैं सरकार, प्रधानमंत्री और खेल मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, खेल रत्न पुरस्कार का नाम सुप्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का निर्णय लेने के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। ध्यानचंद जी भारतीय खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा और गौरव के प्रतीक हैं। खेल रत्न पुरस्कार उनके नाम पर करना एक सराहनीय कदम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा, खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित कर दिया गया है, अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। अनेक देशवासियों के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की है। मुझे खुशी है कि अब इससे पुरस्कार की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। वही ट्विटर यूजर रुचि श्रीवास्तव ने लिखा, राजीव गांधी क्या खेलते थे ये आज भी रहस्य। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देश के हर खिलाड़ी को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के राष्ट्र के प्रति समर्पण, उसका मान बढ़ाने के उनके संकल्प और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों को प्रेरित कर विश्व खेल जगत में तिरंगे को और शिखर तक ले जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में जन्मे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण असंख्य खेल प्रेमियों व संपूर्ण खेल जगत का सम्मान है। उत्तर प्रदेश की ओर से आपका हृदय से आभार, आदरणीय प्रधानमंत्री। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखा, मेजर ध्यानचंद जी ने अपने असाधारण खेल से विश्व पटल पर भारत को एक नई पहचान दी। वो अनगिनत खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत बने। जनभावना को देखते हुए खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने पर प्रधानमंत्री को बधाई और हार्दिक धन्यवाद। मोदी सरकार ने जब से राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया है, सोशल मीडिया पर सरकार के फैसले की लोग इसी तरह से तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी महीने 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी है, जिसे खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में जन्मदिन से ठीक पहले मोदी सरकार का लिया गया यह फैसला ध्यानचंद जैसे हॉकी खिलाड़ियों के लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। कौन है मेजर ध्यानचंद? अपने तेज तर्रार खेल से कभी जर्मन तानाशाह हिटलर को भी कायल बना देने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तीनों ही बार भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे महान हॉकी खिलाड़ी में से एक मेजर ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में 400 गोल दागे। 1928 में एमस्टरडम ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद ने सबसे ज्यादा 14 गोल किए। तब एक स्थानीय अखबार ने लिखा था, यह हॉकी नहीं जादू था और ध्यानचंद है। तभी से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा।
इतना ही नहीं, 1936 के ओलंपिक्स में हॉकी के फाइनल में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया था। इस मैच में ध्यानचंद ने 3 गोल दागे थे, जिससे प्रभावित होकर हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को जर्मनी की सेना में शामिल होकर जर्मनी की ओर से हॉकी खेलने को कहा था। ध्यानचंद ने यह प्रस्ताव सिरे से ठुकरा दिया था। अपने 22 साल के करियर में शानदार खेल दिखाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम से मोदी सरकार ने खेल रत्न अवार्ड का नाम तो रख दिया, लेकिन यह भी विडंबना है कि उन्हें आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। बहरहाल, मोदी सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।